डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ बुक है, चैप्टर सिक्स, एक्सरसाइज 38। तो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करके मैं दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, और जैसे 17 हम लोग सॉल्व किए थे उसी प्रकार का इसमें भी है। एक्सप्रेस इतना लीटर इतना ml एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 लीटर। तो 100 लीटर नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा सॉल्व करना है जो आसानी से सॉल्व हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है 55 लीटर एंड 300 मिलीलीटर, ये पार्ट हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 55.300 ml लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं। इसको लीटर लिखना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं लिखा जाता है, इसका वैल्यू होता है। तो ये लीटर हो गया। उसको उसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं 55, इसमें जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3, और यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आप 10 इतना लगा सकते हैं, ये इतना हो गया। और दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट तो सीधा दिया हुआ है 100, और एक पार्ट हो गया आपका 100 लीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/1। तो इसको इससे डिवाइड देना है, तो डिवाइड दे देते हैं, इस तरह से करना है। ये 553/10 डिवाइड 100/1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है वही रहेगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का ये नंबर है कि ये कटने वाला कहीं नहीं है, ये नंबर कट सकता था लेकिन कटने वाला नहीं है, और ये नीचे नीचे है तो कटने वाला ये भी नहीं है। तो क्या होगा, ये जैसे कि तैसे रह जाएगा। 553 एंड 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये जो है नंबर, यही ये फ्रैक्शन बन जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, और इसका क्वेश्चन भी सेम 17-18 की तरह ही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेस इतना एज ए फ्रैक्शन इतना। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10.50 मीटर लिखेंगे, और इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, इस जीरो को हम हटा सकते हैं, इसको इसका कोई वैल्यू नहीं है। फ्रैक्शन पॉइंट में जो होता है, इधर जितना चाहे जीरो बढ़ा दें उसका वैल्यू सेम होता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 105, एंड यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ 1 और 1, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है 27 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27.50 मीटर। तो इसका एक जीरो इसका भी हटा सकते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे, 275 पॉइंट यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि इसमें भी हम 10 लगाएंगे, ये हो गया। अब डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 105/10 डिवाइड 275/10। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है सेम रखेंगे, ये हो गया, और इतना मल्टीप्लाई 10 ऊपर जाएगा और 275 नीचे आ गया, ये तो कट गया। अब यहाँ से इसको काटना है, तो 5 से कट रहा है, पता चल रहा है हम लोग को, 5 से कट रहा है। तो 5 से 21 बार में कटता है, और ये कटता है 5 5 5 25 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ 2 बच गया, 2 5 फिर 25 बच गया, तो 5 5 25 55 बार में कट जाएगा। और इसके आगे ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 11 से कट सकता है लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि कटने वाला नहीं है, 21/55। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट, उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 15 kg एज ए फ्रैक्शन ऑफ 50 kg 250 ग्राम। तो यहाँ पे पिछला जो 3 क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह ये भी एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ दिया हुआ है 15 kg, और सेकेंड पार्ट 50 kg और 250 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे 20 का 15 kg फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो सीधा सीधा है ही, इसको लिख सकते हैं 15/1, इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और दूसरा पार्ट दिया हुआ है 50 kg एंड 250 ग्राम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50.250 kg लिख सकते हैं, और इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 50, मतलब इस जीरो को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बाय
यहाँ पे पॉइंट है तो वन के बाद दो जीरो लगेगा, मतलब इतना हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड, उसके बाद 50 25 बाय 100, तो इसको फर्स्ट पार्ट जैसे कि तैसे रख देंगे। और सेकेंड पार्ट जो है ये होगा इस तरह से उलट जाएगा 50 25, तो यहाँ पे ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं इसको, इसको काटते हैं, 5 1 जा 5 हो गया और ये 0 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 2 नीचे उतरेगा फिर नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि फिर एक 0 यहाँ पे 0 लग जाएगा और फिर 25 होगा, तो यहाँ 5 5 जा 25 ये नंबर आ जाएगा, इससे कटेगा और ये 5 से 3 5 जा 5 3 जा 5 3 जा 15 कट गया। अब ये नंबर जो है 3 से क्या कट रहा है, 5 और 1 6 होता है, तो इसका मतलब है कि 3 से ये कट रहा है, तो 3 से काट लेते हैं इसको, काट देते हैं 3 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ से 9 निकल गया तो 1 बच गया, यहाँ 1 और 0 फिर 10 हो गया, मतलब 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो यहाँ पे फिर 1 बच गया 15, मतलब 3 5 जा 15, तो ये इससे कट गया। उसके बाद ये तो कट गया, उसके बाद ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 से इसको काट लेते हैं, तो 5 से अगर काटते हैं तो 20 बार में कटता है, 25 जा 100, और 5 से इसको काटते हैं कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 5 5 6 जा 30 हो गया, और यहाँ पे 3 तो 3 5 5 7 जा 35 5 7 जा 35, तो इसके बाद और कटने वाला नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे इसका क्या फ्रैक्शन आ गया 20 बाय 67, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 38 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलना होगा, तो आइए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।